हमेशा क्रांति लाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, ज्योति जगा कर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। हेलो एवरीवन, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे इंग्लिश की वर्कशीट के अंदर फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का सिंपल पार्ट। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना ताकि आपको भविष्य में कभी फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के सिंपल पार्ट की कोई वीडियो ना देखनी पड़े। और इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना। इसके बीच में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा जो वर्कशीट फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का सिंपल पार्ट। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का सिंपल पार्ट, इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है जब कोई वाक्य होता है उसके आखिर में गा गे गी की आवाज़ आती है। जैसे वह बाजार जाएगा, वह खाना खाएगा, वह पत्र लिखेगा, वह पतंग उड़ाएगा, वह खाना बनाएगी या वो फुटबॉल खेलेंगे। तो देखिए सबके आखिर में क्या आया, गा या फिर गे या फिर गी। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में सेल या फिर विल, या तो सेल होगा या फिर विल होगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। अब बात करते हैं कि सेल किसके साथ प्रयोग होगा और विल किसके साथ। आजकल जो ट्रेंड है उसमें सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, परंतु ग्रामेटिकली रूप से सेल का प्रयोग हम आई और वी के साथ करते हैं। आई और वी अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सेल का प्रयोग होगा, और विल All subjects except I and V, कि I और V को छोड़ के जितने भी सारे बाकी सब्जेक्ट बचेंगे उन सब के साथ will का प्रयोग होगा। चलो अब शुरू करते हैं इसके वाक्य बनाने के, किस प्रकार हम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्य है उनको हम किस प्रकार बनाते हैं। पहला वाक्य है वह बाजार जाएगा। तो देखिए हमें स्ट्रक्चर में क्या दिया, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें वह, उसके बाद में सेल या विल, तो यहाँ पे क्या है वह जाएगा, इसका मतलब ही क्या है मेल है और मेल के लिए ही का प्रयोग होगा। तो ही के साथ देखिए सेल आई और वी के साथ प्रयोग होता है, तो ही के साथ किसका प्रयोग होगा विल का। तो यहाँ पे सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब, वर्ब क्या है जाना, जाएगा और साथ में ऑब्जेक्ट यानी कि बाजार। तो क्या इस वाक्य की इंग्लिश क्या होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें ही, उसके साथ ही के साथ किसका प्रयोग होगा विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है जाना, तो जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो, और गो के साथ में टू का प्रयोग होता है, बाजार तो बाजार बाजार या फिर मार्केट, तो ही विल गो टू मार्केट। ही विल गो टू मार्केट, वह बाजार जाएगा। नेक्स्ट तुम पतंग उड़ाओगे, तो तुम सब्जेक्ट है, तुमको क्या कहते हैं यू, अब यू के साथ विल का प्रयोग होगा, यू विल इसमें वर्ब क्या है उड़ाना, उड़ाने की इंग्लिश होती है फ्लाई, और ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्या दिया इसमें पतंग, पतंग काइट, यू विल फ्लाई द काइट। यू विल फ्लाई द काइट। हम खाना खाएंगे, हम की इंग्लिश होती है वी, और वी के साथ किसका प्रयोग होगा शैल का, We shall, वर्ब क्या है इसमें खाना, खाने को इंग्लिश में बोलते हैं ईट, We shall eat, और जो ऑब्जेक्ट है वो खाना जो हम प्लेट में लेते हैं, We shall eat the food, We shall eat the food। मैं पत्र लिखूंगा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा आई, आई के साथ किसका प्रयोग होता है शैल का, आई शैल, उसके बाद क्या आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें लिखना, लिखूंगा,
तो वर्ब हुई हमारी लिखना, लिखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट, आई शैल राइट पत्र, राइट द लेटर, आई शैल राइट द लेटर। नेक्स्ट वन इज राम प्रसन्न याद करेगा, तो राम सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, राम, और राम के साथ किसका प्रयोग होगा, विल, क्योंकि सेल सिर्फ आई और वी के साथ, बाकी जितने सब्जेक्ट है सबके साथ विल का प्रयोग होगा, तो राम विल। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, याद करेगा, याद करना, याद करने को बोलते हैं लर्न, राम विल लर्न द क्वेश्चन, राम विल लर्न द क्वेश्चन, राम प्रश्न याद करेगा। वे फिल्म देखेंगे, वे फिल्म देखेंगे, तो वे की इंग्लिश क्या हुई, वे को बोलते हैं दे के साथ विल का प्रयोग होगा, दे विल। वर्ब क्या है, देखना, तो देखने को इंग्लिश में वॉच बोलते हैं, सी भी बोलते हैं, तो फिल्म को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वॉच या फिर सी, तो इसमें हम लिखेंगे दे विल वॉच या दे विल सी द फिल्म, दे विल सी द फिल्म। सीता खाना पकाएगी, तो सीता खाना पकाएगी, ये जो लास्ट वन है इसकी इंग्लिश आपको मेरे कमेंट बॉक्स में लिखनी है। तो आज हमने किया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, एक बार दोबारा हम इसको रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी पहचान क्या होगी, पहचान होगी वाक्य के अंत में गा, गे या गी। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद सेल या विल, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, सेल किसके साथ प्रयोग होगा, आई और वी के साथ, और विल होगा ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट आई एंड वी, कि आई और वी को छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट है सभी के साथ विल का प्रयोग होगा। उसके बाद हमने ये वाक्य बनाए, इन वाक्यों को आप ध्यान से देखना और अपने आप बनाकर इसका रिवीजन कर सकते हैं, और जो लास्ट वन है उसको आपको हल करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज बस इतना ही, अगली वीडियो तक, बाय बाय।